पंजाब गिरवी रखता ठेकेदारी सिस्टम, ठेकेदारी सिस्टम के पिछे पॉलिटिशियन खड़ा है। डला ना मार के वो शायद अपना नाम भी थोड़ा बहुत चमकाते हैं। मैं जो मेरे रूह की आवाज सी मैं उन्होंने कही है, आई कानून तो 92 MLA ने बनाना है, तो कानून बनाई जाती कंपनियां। पंजाब सिविल सैक्रटेट के जी है यह गलबात हुई है मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होरां दे नाल और नवजोत सिंह सिद्धू, जो मुख्य मुद्दे जिहड़े जिहदी बार बार गल की जा रही थी, चाहे वह रेत है चाहे शराब है, तमाम मुद्दों को लैके जिस तरीके दस्सिया कि उम्मीद प्रगटा रहे हैं। मैं इत्थे पंजाब दे उत्थान दे लई और जिहड़ी गलबात मेरी सीएम साहब नाल होई, हुण सीएम साहब मैं की कहां, उहदे च कोई होमा नहीं कोई हंकार नहीं। जिमें 10-15 साल पहला सी, जिमें 6 महीने पहला सी, अज भी उम्मीद शायद उहदे नाल ज़्यादा नीवा है और उन्होंने ये समझ है कि किहड़ी चीज़ की कदर करना। कोई नवी चीज़ लैके नहीं आया नवजोत सिंह सिद्धू, ये दर्द ये पीड़ बहुत से ऐसे लोगों नूं हुंदी है जिन्हां नाल मैं 7 सालों तो लड़दा रहा, सरकार दे विच भी लड़दा सी, सत्ता दे विच भी लड़दा सी, ते ओही गल्लां करदा सी कि पंजाब दा उत्थान उहदी इनकम दे विच है। लॉ एंड ऑर्डर दे मसलियां नूं छड्ड के उहदी जिहड़ी इनकम है उहदे च पंजाब दा उत्थान। पंजाब गिरवी रखता ठेकेदारी सिस्टम, ठेकेदारी सिस्टम के पिछे पॉलिटिशियन खड़ा है। मैं कदे कहे दा ना लिया, मेरा नाम हजारा लेंदे है, डला ना मार के वो शायद अपना नाम भी थोड़ा बहुत चमकाते हैं, लेकिन मैं कदे किसी ने जवाब दिता है, क्योंकि मेरी निजी लड़ाई नहीं सी, एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई सी, अज भी चलती। और मैनू एक चीज़ दिखती है भी पंजाब दे जड़े गद्दार ने उन्हां दा वक्त आ गया, चाहे वह रेते वाली गल होवे। मैं जो मेरे रूह की आवाज सी मैं उन्होंने कही है कि जिदन ठेकेदार मुका देगा पिछे खड़ा पॉलिटिशियन डिग पूगा, होवे कोई तो जिदन रेट फिक्स कर देगा रेते दे, शराब कितने रेट तो बिना विकदी, तो उदन ही मित्रा सब कुछ सूत हो जूगा, क्योंकि देर इज़ नथिंग कॉल्ड दी सैंड माफिया, इट इज़ दी ट्रांसपोर्ट माफिया। तो देख तेलंगाना एक हफ्ते दे विच 57 करोड़ कमाउंदा, साडियां सरकारां 40-40 करोड़ कमाउंदियां रहियां साल च, फर्क कित्थे है, फर्क ठेकेदारी च है। तो 25 हैक्टेयर अलाउड है, जिहड़ी ठेकेदारां नूं दित्ती है 25 हैक्टेयर उहदे तां रेता है ही नहीं, रेत की गल। शराब की गल की भी भाई कारपोरेशन जिहड़ी तुसीं ठेकेदारी वाली गल करदे हो ना, जिहड़ा दिल्ली दे विच दीप मल्होत्रे उहनां नूं दित्ती है, उहदे नाल नहीं खड़ना पंजाब, उहदे नाल ते 400 वधा लोंगे 500 करोड़ वधा लोंगे, जे वधाउणा ते 25,000 करोड़ वधा, कढ L1 दे लसंस ते 10 किते किते कोल सी, ते कौन पंजाब दा गद्दार है, किहड़ा पोलिटिशियन वरतदा सी ते किहड़ा चोरी करदा सी ते नाल सीना चोरी करदा, पता लग जाने पोतड़े जाने खुल, समझो मेरी गल। ये भी कहा कि पंजाब नूं ठेकेदारी नाल आउटसोर्स करता गिरवी धरता, और मेरी लड़ाई उद तक जारी रहू जब तक कोई ये पूरा नहीं करता, और जिदने पूरा कर दू जय जयकार करूँ। वैट लाओ, तीनों ही चीज़ां ने जड़ियाँ GST तो परे ने, कि पेट्रोल डीजल रेता कुछ हद तक, तो शराब बिल्कुल। जड़ियाँ प्राइवेट डिस्टिलरियां ने वो किन्नी एक्साइज ड्यूटी चोरी कर दिया ने, 100 रुपये की किन्ने विकती है, किसी बोतल के उत्ते चिप हैगी, ठीक है, एक घट तो घट नहीं 25-30 हज़ार करोड़ की गेम है, 10 हज़ार करोड़ के तो L1 के लसंस ने मित्र प्यार, तो जिन्हें चोरी की टंग दे जय जयकार करूँ, कहे पार्टी का हो, उम्मीद है, मैनू उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। और देखो तुम
ये होना है। केवल मोनोपोली तोड़ मित्रा, मैं लगता तोड़ू। यही चीज़ा मैं पांच साल अपनी सरकार च कहता रहा, ना कहता रहा हो तो मैं गुनाहगार मनो। कोई अड चीज़ कहता किसी का ना लिया, उही सिस्टम मोनोपोली तोड़ मित्रा। जिथे देखो घी करके तारा पा लिया, जिथे देखो जड़े पोल दे उत्तों दी तारा घुमाती, थोड़े प्यो का राज है वो। हैं तुसी डरावे दिने हो, तुसी कहने हो ये साढ़े फास्ट वे तो चलना है, तो इन्ने दे थोड़े थोन तो ज़्यादा पता मित्र प्यारे कितने है टीवी 18 सारे पता कर लो, नहीं पता किन्ने मंगते है, नहीं कट देंगे तार बदलू। गुरबाणी 7 साल पहला क्या सरबसांझी है, क्यों एक चैनल दे आवे भाई मैनू लगता है ये भी बदलू। देखो आस है, जब तक स्वास है ना तद तक आस है। पंजाब खड़ जा यार तू, सवाल हाले तेरे कोई नहीं, मेरी गल सुन ला। मैं जो गल की है मैं पिछले 7 साल का इतें ही लग्या, समझा ना तू। मैनू TRP वाले उस चना उलझाई, मैं उलझना नहीं। चौथी चीज के भाई टेंडर च कपले होंगे, एक स्टैंडर्ड टेंडर सिस्टम कढ़ो। वो स्टैंडर्ड टेंडर सिस्टम जड़ा है चीफ मिनिस्टर दे कोल थले होवे। देखो फिर ये जड़ियाँ 4-5 कंपनियां नूं आउटसोर्स किया, भाई कानून तो 92 MLA ने बनाना, तो कानून बनाई जांदियां कंपनियां, तो MLA की करूँ। ये भी मैं लगता आस है मैनू, जे हो तो जा जयकार नहीं है तो पहरेदारी है, हम सीधा साहब है। और मैनू अज ये महसूस होया कि मैं किसी चीफ मिनिस्टर नू नहीं मिलिया, जिन्ना क दर्द मैनू है उन्होंने भी है, गल समझते हो ठीक है। कर भाई PPA रद्द, किवें रद्द होणगे, स्मार्ट PPA साइन करो, टैरिफ ऑर्डर करो पब्लिक इंटरस्ट दे विच, और कहो कि लोगों नू जिहड़ी बिजली 2 रुपये की मार्केट के 17 की क्यों मिले, दो डायरेक्टिव ठोक के डायरेक्टिव दो, जिहड़ा बोर्ड है तो मैंडेटरी है पब्लिक इंटरस्ट के क्यों लागू करूँ, लेकिन आपके पैसों का इनकम दा रखो। 25 to 30 हज़ार करोड़ रुपया मिनीमम, 10 हज़ार करोड़ तो L1 दे लसेंस ने, 25 to 30 हज़ार करोड़ शराब चो, तो जे दिल्ली मॉडल तो 20 हज़ार करोड़ नहीं निकलिया तो भाई साढ़े वाला ला लै, समझ नहीं 2-3 हज़ार करोड़ रुपया कट लिया, अच तक कोई कंपीटिशन कर नहीं रहे, मेरी गल समझ। छड़ाओ जमीन तो लो नाम, भावें कोई मुख्यमंत्री हो भावें किसी पार्टी का होको अंदर, नाले प्रॉपर्टियां सीज करो। हिम्मत किवें हुई पंजाब दी जमीन दबण की, जिन्नियां जमीन छड़ाइया मैं तारीफ की है, डट के की है, समझते हो। जदों मैं फाइलां लैके गया सी, जिहदे कोल लैके गया सी उन्हें दबिया हुई सी, तो उन्हें कार्रवाई की करनी सी। लोगों ने वो रिवायती सिस्टम बदलता, मौका है, इतिहास वह क्रेडिट वह, साड़ी तो पहरेदारी है, जे करूँ जय जयकार है, नहीं तो सिद्धू पहरेदार है, कोई बिच वाला काम ही है नहीं। और मैं आने वाले समय के भी इस मीटिंग भी अज कोई फुलां वाली मीटिंग नहीं गिणदा, उही पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नू बदलन दे मसलियां दी मीटिंग गिणदा। लॉ एंड ऑर्डर की गल करिए, फाइनैंशियल एमरजेंसी की गल करिए, नशा देखो तुसीं किस तरीके नाल वध रहा, नशे की गल करिए, जड़ा पॉलिटिशन ड्रग पेडलर और पुलिस दे विच नेक्सस है तोड़िए। जब तक नहीं टुटूगा थोनू आप नू एहसास होगा, उदों तक यह सब कुछ चली जाऊगा। बड़ियां मगरमच्छ कां टंगो, जड़े गुनाहगार ने सज़ा दिओ, जड़े राज च चंगा काम करन वाले दी पिट नहीं ठोकोगे, माड़ा काम करन वाले नू सज़ा नहीं दोगे, वो तबाह होएगा ही, ये प्रमाण है पिछले इन्ने सालों का। लेकिन जिस तरह उदा लड़ता रहा, कोई मुद्दे अज नवे नहीं चके, पर यह है कि एक नवी सोच पंजाब के लोगों ने, एक नवा मैंडेट, वो दी मैं रिस्पैक्ट करता, वो दी मैं इज्जत करता, ये नहीं कि सानू अहुदे चाहिए सी।
पंजाब की सदगति दे विच ही वो खुशी मिलेगी। एग्जीक्यूशन की ताकत इन्हां कोल, पोलिटिकल विल अगर दिखाउणगे तो मेरे वालों शुभकामनावां, मेरे वालों पंजाब की सदगति दे विच मेरा कल्याण कर ये अरदास हमेशा हुंदी रहेगी। बाकी सीधी जी गल है मित्र प्यारे, मैं दुनिया नूं जवाबदेही होण नालों अपने अंदर बैठे परमात्मा नूं जवाबदेही और मैं परमात्मा पंजाब दे लोकां च देखदा। वर्करी वो करनी है, पंजाब दे लोकां दी वर्करी सब तो वड्डी दात दित्ती है मैनूं रब। इन्ना ही मैं कहना सी, सवाल नहीं कोई, कोई होर हो नहीं। थोनू जिहड़ी इनफॉर्मेशन उत्ते जो होया मैं उहदी इनफॉर्मेशन दे के चलिया। पॉजिटिव मीटिंग रही, बहुत पॉजिटिव। पॉजिटिव इस करके कि देखो जदों कोई बंदा रिसेप्टिव हुंदा तां ही थोनू 50 मिनट का पता नहीं लगता, नहीं तो वक्त ठहर जाता है। जिथे थोनू यह लगता है भी बंदा रिसेप्टिव नहीं सामने तो वक्त ठहर जाता है। तो पाइए मैं अपनी सरकार च अपने मुख्यमंत्रियों नूं कहिंदा रहा, पहली कैबिनेट च कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बंद कर चोरी, बना ये रूल, आ चक आ कानून खड़ा कर, कोई नवा वो तो नहीं किसी का ना नहीं लिया कदे। सिस्टम की लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। धन्यवाद। और ये नवजोत सिंह सिद्धू जो कि हुण तुसीं देख सकते हो कि मीडिया के नाल गल करी और गल करके वो जा रहे हैं, एक बार फिर तो कुछ गल कर रहे हैं, जानते हैं कि वॉट द टाइम विल डिमांड। वक्त की नजाकत को देख के जो जिस तरह का काम करूँ वही जी आवाज बुलंद करो। एक गल कही कि सवाल पंजाब दे वकार दा है, सवाल पंजाब दी अणख दा है, ये अणख नहीं टुटनी चाहिए। ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਬੜਦਾ ਗੁੱਟਾ ਬੋਲ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਵਕਤ ਆਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਕਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਆ। 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਮਾਮ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਛਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਰੀ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਓਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਧੰਨਵਾਦ।